रोड स्थित साइंस सिटी कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान के ताले चटकाकर करीब 50,000 रुपए का माल चोरी कर लिया। घटना के समय घर के लोग शादी में गए थे। जब वह लौटे तो उनके घर के ताले चटके हुए मिले, साथ ही घर से नकदी और जेवरात भी गायब मिले। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो साइंस सिटी कॉलोनी निवासी दंपत्ति एक परिचित की शादी में गए थे। इसी का फायदा उठाकर देर रात चोरों ने घर पर धावा बोलकर नकदी सहित 40,000 रुपए सहित चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। मजेदार बात यह है कि घर में 40,000 रुपए की नकदी रखी है। इसकी जानकारी पति को भी नहीं थी, क्योंकि महिला ने अपने पति से छुपाकर यह राशि रखी हुई थी, जिसकी जानकारी चोरी होने के बाद महिला ने अपने पति को दी। मेरे पास कैसे आए, मेरे पापा जी ने दिए थे, मैं दे दूंगी, इतने तो अपने पास होना चाहिए, अगर दे दे तो वो रख लेते हैं, वापस नहीं देते। और 40,000 रुपये रखे थे इसमें। अब इधर है ना, इसमें चोरी में तो आज देखी ऐसे चोरी करते हैं। कुछ नहीं, सुबह आकर देखा तो ताला जो है ना, ताला दिखा नहीं। मैंने सोचा मैं कोई होंगे तो आकर देखा ना, तो ये ना ये खुला दिखा के कुछ रखा था। तो मैंने बोला, मैंने कि हाँ इसमें पैसे रखे, देख बताया क्यों नहीं। मैंने कि मैंने ऐसे छुपा के रख रखे। कितने पैसे थे? 40,000। और क्या था? टोपी, पायल और ये मानो चांदी की चीज़ें, तो ये डिब्बा भर रहा था बिछिए मिछिए ये कुछ। करीबन चांदी का सामान कितने का होगा? करीबन अभी पता नहीं, पापा जी ने दे रखा था तो पता ही नहीं के किलो थे, कितने नहीं थे। मतलब कितना अंदाज, कितना किलो होगा वजन, कितना होगा वजन? वजन पायल थी होगी 250-250 ग्राम, और ज़्यादा की होगी पता नहीं। मंदी आधा किलो ही थी, और सोने के टोपीस भी थे। अच्छा, तो और 40,000 रुपये नगद, 40,000 रुपये नगद थी। आप लोग ऊपर पड़े थे, वो तो अलग है, वो तो गिनती में नहीं थे। और आप कहाँ गए थे आप लोग? भैया की शादी में। कहाँ पे? रजना खेड़ी। कितनी तारीख को गए थे? 13 तारीख को गए थे। कब लौट के आए हैं? आज 10 बजे। तो आप लोग आए जब आपने देखा कि खुली, पुलिस को सूचना करी? हाँ, करी। पुलिस आई थी?